अपीयरेंस में कम से कम 4 से 5 नंबर है। आप किस तरह से अपीयर होते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इस पे आपका 4 से 5 नंबर है। इस क्रम में आपको ध्यान ये देना है कि जब आप इंटर करें, कैंपस में ही इंटर करें, तो अपने आप को एक तनाव से मुक्त कर लीजिए, ठीक है। अपने आप को टेंशन फ्री कीजिए। टेंशन फ्री कैसे करना है, जब आप यहाँ तक पहुंचे हैं पढ़कर, राइट, यानी आप लोगों को नॉलेज है, अब हमको इंटरव्यू देने जाना है, तो ऐसी स्थिति में दिमाग में इस बात को बिठा लीजिए कि इंटरव्यू देने वाला कोई बहुत बड़ा ऊपर से नहीं आया, उसको भी आपके जगह बिठा देंगे तो उसकी भी स्थिति वही रहेगी। तो डरना नहीं है, सम्मान करना है, बाकी जो निर्धारित है आपके भाग्य में होगा वही, ठीक है। आपको अपना 100% देना है खुश होकर, जो निर्धारित है वही होगा, हमेशा याद रखिए इस बात को। जैसे ही इस बात को सोचिएगा वहां पर आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जो होना है होगा, तो हम अपना क्या देंगे, बेस्ट देंगे। जैसे ही डर हम लोगों में आता है तो हमारी एफिशिएंसी कम जाती है, 25 से 30% डर के कारण एफिशिएंसी कम जाती है। डर खत्म, किसी चीज का डर नहीं, सम्मान सभी का, डर किसी का नहीं, याद रहेगा ना। इस बात को मेरा मंत्र याद करके जाइएगा और फिर आपको कोई डर नहीं रहेगा। अब करना ये है कि जैसे ही दरवाजे पे पहुंचिए, दरवाजा खोलिए, एक हल्के पोलाइट फेस के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ, मे आई कम इन सर, एकदम सेपरेट, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, हो गया। जब आप पहुंच इंटर करने के लिए बोला जाता है तो कुर्सी के बगल में रुक जाइएगा, कुर्सी के बगल में रुक जाना है, 5 लोग रहेंगे, ठीक है। 5 लोगों को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करना है, एक बार इस तरफ कॉमन, क्या अरे प्रणाम करते हैं, प्रणाम सर, प्रणाम मैम, अगर मैडम है तो मैडम को पहले करें, ये कटसी है, कहीं लिखा हुआ नहीं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, हो गया 5ों का। 5 आदमी को 5 बार नहीं करना है, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, फेस मिलाते हुए, सबसे आई कॉन्टेक्ट करते हुए, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। अगर आफ्टरनून में है तो दिमाग में बिठा लीजिएगा आफ्टरनून, प्रणाम करते हैं तो कोई इशू नहीं, प्रणाम कीजिए, नमस्ते कीजिए, कोई इशू नहीं, क्लियर। यहाँ पे किसी तरह का बॉदरेशन नहीं लेना है, जब गुड मॉर्निंग बोले, गुड आफ्टरनून, प्रणाम या नमस्कार, ठीक है। एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता है, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको पूछना नहीं है कि बैठ जाए, वहां बोला जाएगा हैव योर सीट। बैठने के बाद सीधा जब बैठ जाइए, दोनों हाथ इस पे रखना है, पूरा कवर करके इस दोनों हाथ पे यहाँ रखना है, उसके बाद थैंक यू सर या धन्यवाद सर, मतलब हल्का आवाज में, सिंपल एकदम, क्या बोलना है, थैंक यू सर, बोल दिए, अब वहां से स्टार्ट होगा। अगर आपसे पूछता है कि आप किस भाषा में कंटिन्यू करना चाहें, तो अगर आप कंफर्टेबल हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो चूज के सर इन एनी लैंग्वेज आई एम कंफर्टेबल इन बोथ इंग्लिश एंड इंग्लिश। अगर हिंदी में है तो सर मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलिए। अगर नहीं पूछता है और कंफर्टेबल आप दोनों विषय में, तो आप हिंदी में पूछता है तो हिंदी में बताइए, इंग्लिश में पूछता है तो इंग्लिश में बताइए। इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो उनके सवाल पहले सवाल को, अगर इंग्लिश में पूछते हैं तो आप बोलिए सर मैं हिंदी में बोल सकती हूँ, पहले बार से, बार बार नहीं, ठीक है ना। उसके बाद अपना बोलना स्टार्ट कीजिए। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है उस स्थिति में क्या करना है, 2-3-4-5 सेकंड रुकना है, उसके बाद क्या बोलना है, सॉरी सर मैं भी याद नहीं कर पा रही हूँ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अब रिकॉल जो वर्ड है वो सब रट लिया है, तो रट्टा वाला काम मत कीजिए, आप सिंपल भाषा बोलिए, सॉरी सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही, ठीक है। आप लोग यूट्यूब वगैरह देख के रिकॉल 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 सब कर लिया है तो उसको रट्टा मत मारिए, है ना। सिंपल जो घर पे बोलते हैं, सॉरी सर अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, हो जाएगा, है ना, तो रटने वाला नहीं करना है। अगर सामने वाला आंसर बताता है, अगर सामने वाले लोग आंसर बताते हैं, इस स्थिति में आपको क्या बोलना है, थैंक यू सर, धन्यवाद, या पुराइटने के साथ, सेंटेंस के खत्म होने के बाद बोलना है। लास्ट में आपको ये याद रखना है, जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न के खत्म होते ही तुरंत मत स्टार्ट होइए, वहां पे 2-3 सेकंड का गैप लीजिए। जैसे टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सर माय नेम इज, इसमें 2-3 सेकंड का हो गया गैप, सर लगा देना है या मैम लगा देना है, जो पूछेंगे, हो जाएगा, और कोई इशू नहीं है। आप सभी लोगों का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी बच्चे हमारे आए होगा ही कंप्यूटर,
95 से हम लोग का संस्थान चल रहा है, IAS भी बने, बहुत सारे सिविल सर्विस भी बने, कोई इशू नहीं है। तो बोल्ड रहिएगा, पोलाइट रहिएगा, विथ नो फियर, है ना। फियर बढ़ने से क्या होता है, वो तो वही, और शरीर में क्या होता है, हार्मोनल क्या चेंज होता है, एड्रेनलिन बढ़ जाएगा तो घबरा देगा काम, है ना, घबराहट बढ़ जाएगी तो नहीं बढ़ने देना। क्यों? एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड। जो आईएएस बनना होगा आप लोगों में से आगे चल के, है ना, तो डरना नहीं। हमारे आप लोग रेडी हैं, शुरू किया जाए, चलिए।